हे एवरीवन, आज मैं फिर आप लोगों से बात करने आई हूँ और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ जो मेरे साथ हुआ है डे बिफोर यस्टरडे। 21st of November वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी, सो आई वॉन्ट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि आपको इतनी सी चीज़ पता नहीं थी, आपने कैसे किया, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता हो मेरी तरह और उनसे ये भूल ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं पेटीएम यूज़ करती हूँ, लाइक 99% मैं अपने ग्रॉसरी से लेके ऊबर पे एंड एवरीथिंग मैं पेटीएम यूज़ करती हूँ। मेरे पास कैश कभी नहीं होता, अगर मेरे पास कैश होगा तो वो या तो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ इतना ही रखती हूँ मैं, उससे ज़्यादा मेरे पास कैश नहीं होता कभी। 21st of November को क्या हुआ, मेरा पेटीएम मैंने यूज़ करने की कोशिश करी ग्रॉसरी शॉप पे सुबह, तो वो नहीं चला। थ्री टाइम्स वो नहीं चला और उसमें मैसेज आया समथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग ऐसे। सो आई वाज शॉक कि यार क्यों नहीं चल रहा, नेटवर्क भी है। तो मैंने गूगल पे यूज़ किया और गूगल पे से मैंने कंटिन्यू किया। उसी दिन जब मेरा सुबह नहीं चला, मेरे पास दोपहर को मैसेज आता है कि योर KYC इज़ नॉट कम्प्लीटेड एंड दिस इज़ द नंबर, एक नंबर आया उसमें कि यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन फॉर योर KYC। सो क्योंकि मैं ऊबर में भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो ये KYC का जो चक्कर होता है ये ऊबर ड्राइवर्स को भी बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो मैं KYC लगातार सुनती रहती हूँ कि मैडम मेरा KYC नहीं हुआ है इसलिए मेरा पेटीएम नहीं चल रहा। तो मैं फ्रीक्वेंटली ये चीज़ सुनती हूँ उनसे कि KYC की वजह से उनका पेटीएम रुक गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा भी KYC या कुछ हुआ होगा, नहीं चल रहा है, और वो मैसेज मैंने कनेक्ट किया कि मेरा जो पेटीएम नहीं चला तो वो इसी का मैसेज आया होगा। मुझे बिल्कुल भी कोई और अंदाज़ा नहीं था, फिर भी मैंने उस पर कॉल नहीं किया उस नंबर पर, और मैं अपना नॉर्मल डे कर रही थी। शाम को मेरे पास एक कॉल आता है और उस कॉल में वो बोलता है कि मैडम आपका KYC नहीं हो रखा है। तो मैंने कहा भैया मेरा KYC हो रखा होगा, तभी तो मैं 2 साल से यूज़ कर रही थी ना अपना पेटीएम अचानक से। तो ही कन्विंस्ड मी कि आपका KYC जो हुआ था वो 60% हुआ था, 40% और बाकी है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसने मुझे कहा कि आपको मुझे कुछ नहीं बताना है, मैं आपको बताता हूँ और आप अपने आप अपना KYC कर सकते हो। सो आई वॉज फाइन विद इट, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है था कि फ्रॉड में आपका CVV नंबर आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, और आपको अपना OTP जो आता है जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वो OTP किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये डिटेल्स हैं जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई आपको लिंक भेजता है ऐसे मैसेज में तो आपको वो लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो उसने कहा कि मैम आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, वो है क्विक सपोर्ट करके। और फिर मैंने कहा ठीक है, होगा शायद कुछ ऐसा, और मैं डिस्टर्ब भी थी बहुत उस दिन, मेरा दिमाग सच में मेरा किसी भी चीज़ में मेरा दिमाग नहीं चला। उसने कहा क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करो, और वो ऐप डाउनलोड करते ही उसने कहा कि अलाउ करो उसमें। मैंने अलाउ किया और उसके बाद मेरे मोबाइल का सारा डिटेल्स जो भी मेरे मोबाइल पर हो रहा था उसके पास चला गया, वो देख सकता था कि क्या हो रहा है मेरे मोबाइल में, ठीक है। उसने कहा आपकी पेटीएम जो लिमिट है वो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, इंक्रीज करवाने के लिए आपको अपने कार्ड की डिटेल दीजिए, आप मुझे मैं बताइए, आप खुद डिटेल डालिए और आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। तो मैंने कहा भी उसे कि मुझे लिमिट नहीं चाहिए मुझे भैया, क्योंकि मैं अपना पेमेंट नहीं लेती। बोलते मैडम कुछ तो लिमिट रखोगे ना आप। तो मैंने कहा चल ठीक है, क्योंकि मुझे उसको बताना नहीं पड़ रहा तो आई वॉज ओके कि मुझे उसको बोलना नहीं पड़ रहा कुछ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जो डिटेल्स डाल रही हूँ वो सब वो देख पा रहा है वहां पे। फिर मैंने अपनी डिटेल्स डाली, पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 रुपी की, तो भी मुझे शक नहीं हुआ बिकॉज ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल पे और ये सब 1 रुपीज की ट्रांजेक्शन करते हैं और जो कि आपको तुरंत वापस आ जाता है आपके अकाउंट में। लेकिन जब दूसरी ट्रांजेक्शन हुई 1499 रुपीज की, तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने उसको बोला भैया ये मेरे पैसे कहाँ कट गए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला कि मैडम आपकी लिमिट बढ़ रही है, ये पैसे आपके दोबारा अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे।
तो मैं अब मेरे पास, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उस ऐप से हो रहा है, मैं सिर्फ कंटिन्यू उससे बात कर रही हूँ और मेरा फिर तीसरी ट्रांजेक्शन हुई 9999 रुपीज की, तब मेरा दिमाग सनक गया था और तब तक मैं समझ गई थी कि मैं फंस चुकी हूँ मैं किसी चीज में, ठीक है। तो HDFC वालों का, क्योंकि मेरा बैंक HDFC में, HDFC वालों का एक कॉल आता है, अगर आप कोई बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो आपको कॉल करते हैं कन्फर्म करने के लिए। तो जैसे उनका कॉल आया, मैंने उनको बोला कि ये ट्रांजेक्शन मैं नहीं कर रही हूँ, प्लीज स्टॉप दिस पेमेंट, ठीक है, और मेरे अकाउंट में और कुछ कोई पेमेंट नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने मेरे बोलने के बावजूद अगले 3-4 ट्रांजेक्शन और हुए और ऐसा कर करके मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि अपनी मेहनत की कमाई, ठीक है, जो मैं दिन रात लगाकर कमाती हूँ, वो मेरे सामने मेरे पैसों के कटने के मैसेजेस आ रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं जब आई वॉज जस्ट शाउटिंग और मैं घर में अकेली थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई नेबर हु वॉज विद मी, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा झटका था, मैं जो नहीं हैंडल कर पा रही थी। एंड सच बताऊं तो मैं मरते मरते बची हूं उस चीज से, जो पैसे गए गए, शायद मैं भी चली जाती उस दिन। फिर एन मौके पे मेरे हस्बैंड आ गए, तब तक मेरे हस्बैंड आ चुके थे, उस बंदे ने मेरा दूसरा डेबिट कार्ड भी वो उसकी एंट्री करवा करके उसमें से पैसे कटने शुरू ही हो गए थे कि मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने तुरंत वो ऐप डिलीट किया, तब मेरे पैसे कटने बंद हुए, लेकिन मेरा जो पहला अकाउंट था वो पूरा खाली हो चुका था, ऑल मनी गॉन, ठीक है। एंड स्टिल वो फोन पे था कि मैं आपके पैसे जा रहे हैं, आपके पैसे वापस कर दूंगा, अभी करता हूं मैं आपको कार्ड टू कार्ड वापस करता हूं मैं, एंड मुझे ये उम्मीद थी कि हाँ शायद वापस कर देगा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद। और तब तक मैं अपने सेंसेस में भी नहीं थी उसके बाद, तो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर साइबर पुलिस के पास गए हम, हमने रिपोर्ट लिखवाई, हमने पेटीएम में कंप्लेन करी, सब किया मैंने। साइबर पुलिस वालों ने तो जो सुनाया मुझे सुनाया, ठीक है। कैन यू बिलीव कि मुझे अगले दिन उस बंदे का दोबारा फोन आता है, उस फ्रॉड का, ठीक है। मैंने वो फोन नहीं उठाया, दैट टाइम आई वॉज इन बैंक, ठीक है, आई वॉज डूइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज टू फ्रीज माई अकाउंट एंड एवरीथिंग। सो मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया वो, और ही वॉज कैजुअली टॉकिंग कि आपके पैसे ना आ जाएंगे आज शाम तक, आपकी वाइफ कैसी है, कल वो बहुत परेशान हो गई थी, ठीक है। या तो वो ये देख रहा था कि अगर मैं फोन उठा लेती तो वो कोशिश करता मेरे दूसरे अकाउंट से पैसे लेने की, या तो पता नहीं किस लिए उसने फोन किया। जब मैंने साइबर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे पास वो दोबारा फोन आ रहा है उस बंदे का, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक दैट नंबर। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वाई टू ब्लॉक, वाई कांट वी ट्रेस दैट नंबर, इट्स अ स्कैम, ठीक है। मेरे दो क्वेश्चन है कि पेटीएम की सिक्योरिटी कहाँ है, ठीक है, जब पेटीएम हम इतना उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन पेटीएम की सिक्योरिटी कहाँ है। पहली बात, मेरा पेटीएम ना चलना ये इंडिकेट करता है कि इसका मतलब मेरा पेटीएम शायद पहले ही हैक हो चुका था, क्योंकि उसका ना चलना और फिर KYC का मैसेज आना, अगर मेरा पेटीएम चल रहा होता और तब मुझे मैसेज आता तो शायद मेरे अंदर क्लिक करता कि मेरा पेटीएम तो चल रहा है, तो मैं उसको एंटरटेन ही नहीं करती। लेकिन मेरा पेटीएम ना चला और उसके बाद मैसेज आया, मैंने दोनों चीजों को कनेक्ट किया, इसका मतलब पहले से ही सब कुछ हो चुका था। दूसरा, जब मैंने HDFC वालों को बोला कि मैं ये पेमेंट नहीं कर रही हूँ, प्लीज स्टॉप कराएं इसको, तो भी वो रुका नहीं, तो भी होता गया। क्यों, क्या हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम, मतलब क्या है, कुछ तो लूप होल है ना। तीसरा ये, जब मैंने उस साइबर पुलिस को बोला कि आप मेरे पास वो फोन आ रहा है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हम वो ट्रेस नहीं कर सकते सर, वाई शुड आई ब्लॉक दैट नंबर। तो उन्होंने बोला, मैडम आप ना क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हो, आपको लगता है कि नंबर से ट्रेस किया जा सकता है क्या, आप मेरे पास आना, मैं आपकी आधे घंटे की क्लास लूंगा और आपको बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है और सबसे है, मेरे साथ जो होना था हो गया। इस वीडियो का एक मतलब है कि आप सब अवेयर रहें ये जो हो रहा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट से कि हमने हर चीज को डिजिटल करने की कोशिश करी है कि आप इससे यूज करें, ये यूज करें, पर सिक्योरिटी कहाँ है।
और जब किसी के साथ ऐसा होता है तो पुलिस कैसे, ये क्या आंसर था कि आप क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हो? ये एक कॉमन नॉलेज है आई थिंक सबकी कि हाँ मोबाइल नंबर से किसी को ट्रेस किया जा सकता है, जब मोबाइल से इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो ट्रेस क्यों नहीं हो सकता? ये जवाब था उसका, बिकॉज शायद उसके लिए मेरे पैसे उतने मायने नहीं रखते क्योंकि मैं शायद पॉलिटिशियन नहीं हूं, शायद मैं एक आम आदमी हूं, ठीक है। तीसरा, मुझे पता है HDFC भी कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं अब अपनी तरफ से ये कर सकती हूँ कि मैं एटलीस्ट जितने लोगों से मिल रही हूँ, जितने लोगों को जानती हूँ और जितने भी मेरे आसपास हैं, मैं सबको बता रही हूँ ये बात कि ऐसा हुआ, सारी डिटेल दे रही हूँ, सो दैट मेरी तरह किसी और के साथ ऐसा ना हो। प्लीज बी अवेयर, ठीक है। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, मैं तो बोलूंगी यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बैक टू नॉर्मल कैश यूज करें, ठीक है। अपनी UPI पिन अपने मोबाइल में ऐसे सेव, किसी भी ऐसे ऐप को, HDFC या किसी भी बैंक के ऐप को रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सेफ। जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये वही बैंक है जो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और हमें आई थिंक उसके बाद अगले दिन ही कल के न्यूज़पेपर में आया पेटीएम का ये, क्योंकि आई थिंक मेरे से पहले भी लोग बैठे हुए थे, जब मैं साइबर पुलिस के पास गई मेरे से बाद भी लोग थे, और कितना ज्यादा हो रहा है, मतलब इतने सारे केसेस मैंने सुन लिए अपने आसपास ही उसके बाद अगले दिन ही कि अच्छा इनके मेरे क्लाइंट में ही 3 लोगों के पास ऐसे मैसेजेस, सेम मैसेजेस आए हुए हैं, और उसमें से 2 लोग ये वो भी कह रहे थे कि हम ये करने ही वाले थे कि बात कर लेते हैं यार, KYC करवा लेते हैं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तब मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने बात कर ली इस बारे में, थैंक गॉड कि मेरे थ्रू उनको पता चल गया कि क्या क्या हुआ और वो बच गए। इसीलिए आपको, अगर आप किसी को जानते जो पेटीएम यूज करते हैं, सो प्लीज बी अवेयर एंड आप जितने लोगों को बता सकें बताएं, ठीक है, और किसी को भी इस, मतलब इस सदमे से बचाएं, बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू हैंडल दिस, चाहे वो 5,000 रुपीज हो, चाहे वो 5 लाख रुपीज हो, किसी की हार्ड अर्न मनी उसके सामने चली जाए इस तरह से, ये झेलना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू।